लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? वन वन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, कॉस एक्स इज वन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स इज ऑल्सो वन। ठीक है, ये सब आप याद रखोगे। पिछली बार मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, है ना? कुछ क्वेश्चन और देखो बच्चों। ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मुझे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर। यस, कैमरा क्यों ऑन नहीं किया आपने? यस सर, कर दिया। गुड। योविका, आप भी नहीं करते हो? रक्षित का तो सर कर रही हूँ, 1 मिनट। ओके। बच्चों देखो जरा, बच्चों क्या करेंगे इसमें? यस, कौन बताएगा? यस बताएगा। सर पहले थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे सर। कैसे? रक्षित आप बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाएंगे पहला वाले। देखो बच्चों, अगर आप इसमें एक्स यूवी का बताओगे, सर ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी। ऊपर जीरो बन रहा है, नीचे जीरो बन रहा है। हमेशा याद रखो, पॉलिनोमियल अगर जीरो बनाता है तो सिर्फ उसका एक ही ऑप्शन हमारे पास, हम उसको फैक्टराइज करेंगे। ऊपर पॉलिनोमियल है, जीरो भी बन रहा है, फैक्टराइज होगा। ओनली ओनली सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल है, जीरो बन रहा है, फैक्टराइज होगा। नीचे रूट की टर्म है, रूट की टर्म है, जीरो बना रही है, रैशनलाइज होगा। ठीक है, रट्टा मार लो इस बात को। पॉलिनोमियल है, जीरो बना रहा है, फैक्टराइज होगा। नीचे रूट की टर्म है, जीरो बना रही है, रैशनलाइज होगा। कर दो, ये फैक्टराइज होगा। सो इट इज एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू। डिनोमिनेटर में ये टर्म भी जीरो बन रही है, थ्री एक्स माइनस टू माइनस दिस, तो ये रैशनलाइज होगी। इसको रैशनलाइज करना है। रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस टू प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस टू माइनस प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस टू। देखो जरा, ऊपर कुछ ब्रैकेट वगैरह ओपन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? नीचे क्या बनेगा बच्चों? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस टर्म को बच्चों ज्यादा लंबा हो रहा है क्वेश्चन, इसको साइड में सिंप्लीफाई कर लो। थ्री एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू, ये कट हो जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। सर ब्रैकेट में अंदर प्लस का साइन आएगा। यहाँ प्लस का साइन था ना, यस तो थ्री एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, तो ये हो गया टू एक्स माइनस फोर। कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स माइनस टू, टू इंटू एक्स माइनस टू। डायरेक्ट लिख दो, टू इंटू एक्स माइनस टू। और आई थिंक लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किस किस को समझ आया? योविका को आया?
यस सर। रक्षित यस सर। क्या करेंगे? बताओ, हाँ वो कट हो जाएगा। यहाँ पर 102 डाल देंगे, यस सर। ठीक है, और यहाँ पर 2 डालेंगे, 2 3 6 -2 √4 बनेगा, यहाँ पर भी 4 बनेगा अपॉन में 2, तो 8 हो जाएगा ना, 16। 4 × 2 2 + 2 ये 4 आ जाएगा, by 2 16/2 8 आ जाएगा, करेक्ट। यस। चलो एक और क्वेश्चन और करूं, हो गया, कंप्लीट हो गया। यस सर। e^(x+e^-2 अपॉन में x2, चलो कौन बता रहा है इसको कैसे करेंगे? सर इसमें जो बताओ, कौन बताना चाह रहे हैं? रक्षित बताओगे? ऐसा समझ नहीं आ रहा। युविका? नहीं सर, नहीं आया। यस भी नहीं बताएगा? नो सर। चलो फिर आ जाओ इधर। सबसे पहले बच्चों इसको चेंज कर दो, 1/ex लिख लो, ex+1/ex -2। अच्छा एक बात बताओ, आपके एनसीईआरटी से बाहर लिमिट्स आएगा नहीं आएगा? सर नो आइडिया। वैसे लिमिट्स ऐसा चैप्टर, लिमिट्स तो डेरिवेटिव बाहर से आता ही आता है, चाहे टीचर की कहे कि एनसीईआरटी से आएगा तभी बाहर से आता है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। एलसीएम ले लो बच्चों, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा e^(2x+1 - 2 × e^(x), और एलसीएम नीचे चला जाएगा, e^(x·x²। एलसीएम लिया मैंने, ये e^(2x) थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, इसको देख लेना, e^(2x) था वो, ठीक है। कोई मुझे मुझे बता सकता है ये न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर में कुछ e^(2x+1 - 2 × e^(x) कुछ स्पेशल टाइप की टर्म है ये, क्या है वो टर्म? रक्षित सर ये रक्षित क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं, स्क्वायर यस, नहीं ना। अच्छा क्वाड्रेटिक तो है ही, क्वाड्रेटिक वही है। तो है, बट उसमें भी एक स्पेशल है, क्वाड्रेटिक में भी स्पेस है। अच्छा वो ये नहीं भी पता। सर, इसमें शायद उनमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही कौन सी बेटे? सर, 1 मिनट सर, इसको देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, जैसे ये +1 - 2 है तो ये फिर -1 हो जाएगा। कोई छोड़ दो बेटे उसको, आप इसको देखो, ये देखो e^(2x) जो 2x था उसको मैंने लिख दिया e^(x², 1 को लिख दिया 1² -2 × दिस a²+b² - 2ab, तो ये क्या बनना चाहिए? e^(x-1)² क्या बनना चाहिए? e^(x-1)² समझ आया? ये यस सर। रक्षित एंड युविका? यस सर। यस सर। अपॉन क्या बेटा? अपॉन में है e^(x·x²) है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 1/(e^x·)
इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, इस पार्ट को, इस पार्ट को ब्लैक वाले पार्ट का मैंने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ब्लैक वाले पार्ट का क्या कर दिया, होल स्क्वायर, समझ आया। यस सर, अच्छा, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वन होता है ना, होता है ना, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वन होता है, यस एंड ई टू द पावर एक्स को जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, और ये लिमिट होती है वन, तो ये हो गया वन का स्क्वेयर, वन अपॉन ई टू द पावर जीरो, वन अपॉन वन इंटू में वन, तो वन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, यस सर, चलें आगे। यस सर, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू दिस एक्स फोर माइनस 3x² + 2 अपॉन x³ - 5x², बताओ, ये बताओ, पहले चेक करो 0/0 है क्या, चेक करो ये 0/0 है क्या, यस सर है। हाँ बच्चों, यस, सर 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म, आओ चेक करके देखा, और यस सर, इसमें कौन मेरी हेल्प कर रहा है सॉल्व करने में, भाई सॉल्व करने में कौन मेरी हेल्प कर रहा है, यूवी का रक्षित, सब नाराज हैं क्या, मैं यस सर, नहीं सर, नाराज क्यों हूं, देखो बच्चों ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस सर, यस अच्छा सर, फैक्टराइज तो कर सकते हैं हम इसको, ये भी का क्या फैक्टर होंगे इसके, न्यूमरेटर को तो हम फैक्टराइज कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर का क्या होगा, जीरो अपॉन जीरो किसने बताया था, 0/0 है, किसने बताया था तो 0/0, जीरो से 0.0 ही तो 1+2। अच्छा बेटे मैंने कब कहा नहीं है, मैंने तो पूछा है किसने बताया था? सर, मैंने बोला था पहले तो। देखो 0 मतलब ये टर्म 0 बन रही है, आप यही कहना चाहते हो ना, यस
क्या डालने से, एक्स को वन डालने से, एक्स को वन डालने से ये टर्म जीरो बन रही है ना। यस सर, एक्स को वन डालने से ये टर्म यस जीरो बन सर, रही है, इट मींस एक्स वन इज ए जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, इज दिस पॉलिनोमियल। यस सर, तो एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस, इसका फैक्टर एक्स माइनस वन, और फैक्टर है तो डिवाइड करेगा, एक्स क्यूब माइनस 5x² + 3x। यूवी आपको आता है बेटा, ये पता है, याद है 9th क्लास वाला? यस को सर याद है, डिवीजन वाला, यस सर, एक्स थोड़ा के सा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस इज माइनस प्लस, ये कट हो गया, दिस इज व्हाट 5 4 1, सो इट इज व्हाट -4 + 3x + 1। ठीक है, माइनस 4 पे डिवाइड होगा, 4x -4x² + 4x + -, ये कट हो गया, -x + 1, -1 पे -x + 1 0। सो आप ये जो x³ - 5x² + 3x है, यस इसको क्या लिख सकते हो? यस सर इसका ऊपर जो रिमाइंडर आया वो लिख सकता है, डिवाइड करके शो करना पड़ेगा ना। हाँ, ये डिवाइड तो करना पड़ेगा वरना तो आप ही को नहीं पता लगेगा। अच्छा ये देखो, ये क्या बन गया, ऊपर से x² कॉमन लेंगे तो ये हो गया x² - 2, माइनस माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x² - 2। और नीचे जो ये टर्म है ना, अच्छा एक बात बताओ, 8 को आपने डिवाइड किया 2 से, 2 4 जा 8 आया, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 2 है ना। तो यहाँ पर एक्स यस क्यू सर, माइनस 5x² + 3, डिनोमिनेटर को क्या लिखोगे, x-1 एक्स स्क्वायर माइनस x² फोर एक्स माइनस वन -4x बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके नो सर, तो अब ये हो गया x² - 1 × x² - 1, कुछ x² - 2 × x² - 1 अपॉन x-1 x² - 4x - 1, कुछ कैंसिल तो अभी भी नहीं हो रहा, क्या करें? कैंसिल तो अभी भी नहीं हो रहा बच्चों, क्या करें? और ऊपर x² - 1 वाले ब्रैकेट को खोल रहे हैं। यस, इसको x-1 x+1 लिख देते हैं, है ना। किसी को यस प्रॉब्लम सर, और कर वो x-1 x-1 कैंसिल हो जाएगा। देते हैं कैंसिल, तो हमारे पास आ गया, क्या आएगा? अच्छा x-1 कैंसिल हो जाएगा, मैंने गलत आपने काट प्लस दिया वन ना, कर दिया। ये रहेगा, यस सर, ये कट होगा, तो एक्स को 1 डालना है तो 1 - 2 - 1 आ जाएगा, यहाँ पर डालेंगे तो +2 हो जाएगा, नीचे 1 - 4 - 1, 1 - 4 - 1 हो जाएगा, -2 अपॉन, ये दोनों कट हो गए, -4 कट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक सम बताओ, वैसे आपको आना चाहिए, मुझे नहीं पता आपको आता है, यहाँ तक कर लिया सभी ने? यहाँ तक सभी ने कर यस लिया? बताओ जरा। बस, मैं वो ट्रिगो की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, साइन ए प्लस साइन बी।
रक्षित आप बताओ। सब ऐसे ही नहीं आएगा, नीचे माइनस वाली और ऊपर प्लस वाली, मतलब समझा नहीं बेटे मैं। वही सेम आइडेंटिटी, एक साइन ए प्लस साइन बी, एक साइन ए माइनस साइन बी। हाँ युविका सर वही बताओ, बोल रहा था मैं भी। सब युविका बताओ, प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी बेटी, कौन सी प्रॉपर्टी? सर ऊपर साइन ए प्लस साइन बी वाली, नीचे साइन ए माइनस साइन बी वाली। बच्चे एक और ट्राई करते हैं इसको, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड करो। प्रॉपर्टी से हो जाएगा नो डाउट, पर थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, ये समझ आया आपको मैंने क्या किया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को यस मैंने एक्स सर। से डिवाइड कर दिया। जब आप किसी टर्म को ऐसे डिवाइड करते हो ए प्लस बी अपॉन एक्स, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो ए अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। अब आगे क्या करेंगे इसमें? तो हम न्यूमरेटर में 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी। हाँ क्या करेंगे बच्चों? सर न्यूमरेटर के जो डिनोमिनेटर है एक्स वाले में, वहाँ इंटू 2 कर देंगे और इंटू 6, और ऊपर वाली साइड भी इंटू 2 इंटू 6। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ यहाँ पर फाइव, यहाँ सिक्स। यस फाइव, सर। यहाँ 3, यहाँ 3। तो ये क्या यस हो यस गया? सर, 1 हो ये जाएगा। टू, हाँ तो मतलब टू 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 इंटू प्लस वन 6/5-3। ये 1 इंटू 6, और ये क्या यस, होगा? 5 इंटू 1, 1/5 - 1/3, तो ये हो गया 8 अपॉन 2, 4 आ गए। थ्री और ठीक टू है, फोर। यस, ओके। चलो एक क्वेश्चन और करो। अगर इसमें प्रॉपर्टी लगाते सर तो थोड़ा लेंदी हो जाता, बट सेम ही आंसर आता है। हाँ थोड़ा सा आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आंसर तो सेम ही आएगा। यस सर। चलो एक सम और लिखो। वो दोनों सम करवाए थे मैंने √2 से मल्टीप्लाई करने वाले, वो याद है या भूल गए? कौन कौन था उस दिन क्लास में? कैसे तो याद याद है? ओके दो क्वेश्चन करवाए थे ना बेटे लिमिट्स के, जिसमें √2 से मल्टीप्लाई करना था एक क्वेश्चन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको कर लेके देख लेना एक बार। सब आपने 2 तरीके से करवाया था। हाँ, बिल्कुल वही वही वही। यस सर, वो करे थे। क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, चलो नए पेज पे करते हैं, इसमें नहीं आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/6। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/6 2 - √3 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 6x - π² अपना सारा दिमाग लगा दो बच्चों, बताओ कैसे करेंगे। पूरा दिमाग लगा दो। रक्षित तो वो π/6 + h लेंगे x को, नहीं, हाँ ऐसे था सर, प्लस h माइनस h करते हैं ना, तो प्लस कुछ ले सकते हैं। तो करना ही पड़ेगा, उससे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 माइनस। युविका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करें इसको, कैसे कर सकते हैं? पिछले वाला जो मैंने वो क्वेश्चन करवाया था ना 2 टाइप वाला, उसी में डिवाइड करेंट का कुछ ही करना है क्या बेटे?
सर इसमें डिवाइड कर देंगे लाइक ऊपर नहीं होगा, हाँ डिवाइड टू करेंगे, माइनस रूट थ्री को सिंप्लीफाई करने के लिए। √3 − cos x ना, उधर वाले को नहीं बेटे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ 1/2 कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये समझ आया हाँ क्या? सर उससे वो भी सिंप्लीफाई सर हो एक जाएगा। मिनट, ये समझ नहीं आया, आपने 2 से क्यों डिवाइड करा दोनों साइड? ये क्यों वाला तो बेटे 5 मिनट बाद समझ आएगा आपको, अभी बस आप ये बता दो कि कर सकते हैं ना ऐसा। कर तो सकते हैं। हाँ वो 2 स्टेप के बाद आपको समझ आ जाएगा क्यों किया है, क्योंकि इससे पहले एक्चुअली हम एक क्वेश्चन कर चुके, शायद आप उस क्लास में नहीं थे, ठीक है ना, तो 2 स्टेप के बाद आपको समझ आ जाएगा। बच्चों मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, युविका बताएगी क्या बनाना चाहता हूँ और रक्षित भी बताएगा क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि यस तो पिछली क्लास में था नहीं, बोलो क्या आइडेंटिटी बनाएंगे हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर? रक्षित सर एक मिनट देना। गुड़गांव में ठंड कैसी है बच्चों? सर ठीक है, ठंड ऐसा काफी बस। ये अच्छा है कि किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर गूगल खोल के टेम्परेचर चेक कर लो, वरना आजकल कहते हैं सर गूगल गूगल पे टेम्परेचर चेक कर लो। ऐसा तो नहीं, नहीं है ना? नो सर, नहीं सर हाँ बताओ बेटा कैसे करेंगे? रक्षित नहीं समझ आया? नहीं सर, मुझे नहीं आ रहा। यूवी आपको भी नहीं आया बेटे? नो बच्चों सर हम यहाँ पर या तो साइन एक्स की आइडेंटिटी बना सकते हैं या कॉस की बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार हम कॉस की आइडेंटिटी बनाएंगे, उसका रीजन मैं आपको एक स्टेप बाद में बताऊंगा, ठीक है। कॉस की आइडेंटिटी बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए cos x cos y − sin x sin y, ठीक है, cos x cos y − sin x sin y। तो cos x तो हमारे पास पहले ही है और √3/2, यस cos की टर्म में क्या होता है, cos कितना डिग्री पे √3/2 होता है थर्टी को, 30, तो थर्टी इसको लिख देंगे cos π/3, π/6 माइनस, ये हो गया साइन एक्स और 1/2 साइन की टर्म में, बताओ थर्टी sin 30, फाइव सिक्स 6x − π। यस आपको समझ आया हमने ये √3/2, √3 को 2 से क्यों डिवाइड किया था, ताकि यस सर, क्योंकि वो फिर वो उसके cos पाई बाय इंटरमीडिएट सिक्स बन रेशियोज में जाए, आ जाएगा। cos पाई बाय सिक्स बन जाए और ये 1/2 sin π/6 बन जाए, इसलिए किया था। हम यहाँ पर साइन की आइडेंटिटी भी बना सकते थे, बट इस क्वेश्चन में साइन से बेटर रहेगा कॉस बनाना, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है बच्चों? कॉस क्या बन गया, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई सिक्स 2 − 2 cos, बताओ जरा ये क्या बना, x + π/6। एक मिस्टेक होगी बच्चों यहाँ पर, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ प्लस होगा और यहां पर माइनस साइन आएगा, x − π/6, ठीक है, 6x − π² यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। बोलो बच्चों, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि कैमरा आप तीनों का ऑफ है, तो आप गर्दन हिला के बोल दियो कि नहीं तो पता, मुझे पता ही नहीं लगेगा। सर यहाँ पे आपने कॉस ए प्लस कॉस साइन ए आइडेंटिटी लगा दी ना, जो कॉस शुरू ए में कॉस होती है। बी ओके प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए माइनस बी। ऊपर से 2 कॉमन ले लें,
अपॉन 6x माइनस पाई होल स्क्वायर। अब तुम अपना वो करो जो कह रहे थे ना कि हम एक्स को पुट कर लेते हैं पाई बाय सिक्स माइनस एच या प्लस एच, है ना रक्षित? यस सर। एक्स पाई बाय सिक्स को अप्रोच कर रहा है, या तो पाई बाय सिक्स से स्लाइटली स्मॉलर होगा या ग्रेटर होगा, है ना? तो मैंने ग्रेटर वाला केस ले लिया, सो एक्स इज इक्वल टू पाई यस बाय सर। सिक्स प्लस एच। यस को पता है ये? सर ये पता है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, 2 × 1 माइनस कॉस, ये क्या बन जाएगा बच्चों? एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे? यहां से देखें तो एक्स माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू एच आएगा, तो इसकी फाइव बाई जगह तो सिक्स एच प्लस हो जाएगा, एच है ना? नीचे क्या बनेगा? 6 × x की जगह आपने पाई बाई सिक्स प्लस एच पुट किया, माइनस में पाई है होल स्क्वेयर है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 6 h माइनस पाई होल स्क्वेयर। 6 h का स्क्वेयर 36 h स्क्वेयर, ठीक है? ठीक है, ओके। इससे आगे बच्चों आपको बताना पड़ेगा, कौन बताएगा? अच्छा, जब एक्स की लिमिट पाई बाय सिक्स को अप्रोच करेगी, एज एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय सिक्स, एच अप्रोचेस टू जीरो, इसके बाद में आपको बताना पड़ेगा, कौन बताएगा? बताओ। ठीक है बच्चों, ये सर आप समझ आया वाइपर क्या आपको? करा अभी? नहीं वन सर माइनस अभी। कॉस थीटा, 2 sin² थीटा बाय 2 आइडेंटिटी होती है बच्चों, और एक दो क्लास पहले भी मैंने आपको समझ गया बताया सर। है कि जहां यस भी सर। लिमिट में 1 cos θ आ जाए, लिमिट्स के क्वेश्चन में जहां भी 1 cos θ आ जाए, अगर वो जीरो बनाता है तो यही एक आइडेंटिटी लगेगी, 1 cos θ इज 2 sin² θ बाई 2। मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 4 × 4 से कट हो जाएगा, बचा हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1/36 × इंटू क्या होगा? साइन एच बाई टू अपॉन एच।